हेलो दोस्तों, आज हम अमेरिकन चॉप सुई बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इजी पीजी और यमी रेसिपी है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। कढ़ाई में तेल डाल देना है, फिर हम डालेंगे आधा कप प्याज, 2 टेबलस्पून जितनी फ्रेंच बीन्स डाल देनी है और इसे सिर्फ 30 सेकेंड जितना ही हमें इसे पकाना है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे गाजर, कैप्सिकम और गोभी। सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए सिर्फ सौते कर लेना है। इसे हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, सिर्फ कच्चा पक्का ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना टमाटो केचप सॉस। जो प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज अवॉइड कर लीजिएगा, और इसे अच्छे से मिला लेना है। सब्जियों में आप इसमें लाल पीला कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 2 टेबलस्पून पानी में मिला लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, अगर चिली सॉस नहीं है तो शेजवान सॉस या चटनी, कुछ भी आप इसमें सिर्फ थोड़ा तीखापन लाने के लिए डाल देना है। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही झट से बन जाती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है दोस्तों। अब इसमें उबाल आने लगा है तो हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितनी शक्कर, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 पैकेट हक्का नूडल्स लिए थे जिसको आधा कट कर लिया था, आधे मैंने बॉईल कर लिए थे, वो अब इसके अंदर डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिला लेना है। और हमारी ग्रेवी बनके तैयार है दोस्तों। जो आधे नूडल्स बचे हुए थे इसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, फिर एक साफ टॉवल पर इसे सुखाने के लिए रख दिया था। फिर इसको तल लेना है और हमारे फ्राइड हक्का नूडल्स बनके ऐसे दिखेंगे। प्लेट में सबसे पहले हक्का नूडल्स रखने हैं जो हमने फ्राई किए थे, उसके ऊपर हम एकदम गरम गरम ग्रेवी डाल देंगे और धनिया डाल के सजा लेंगे। अमेरिकन चॉप सुई बनके तैयार है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही यमी और इजी रेसिपी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।